जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज कोहली, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून। आज बस स्टैंड मेंडर के अंदर इंतजामिया ने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया और करीब करीब 2:30 से 3 बजे ये एक अफवाह आई कि तमाम बस स्टैंड को खाली करवाया जा रहा है, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन देखते ही देखते सारी गाड़ियों को बस स्टैंड से निकाल दिया। और निकालने के बाद SDM मेंडर जहांगीर खान साहब की क्यादत में एक टीम आती है बस स्टैंड मेंडर के अंदर और वो एक JCP के साथ आते हैं और यहाँ सबसे पहले जो पैसेंजर शेड है जहाँ आप ये अभी रेडी लगी हुई देख सकते हैं, इसके पीछे एक पैसेंजर शेड हुआ था जिसकी हमने एक बार स्टोरी की थी कि पैसेंजर शेड है जो उस पर चंद लोगों का ऐसे कब्जा है, आज उस पैसेंजर शेड को ही हटा दिया गया। सबसे पहले जो आज इंतजामिया का अगर पीला पंजा चला तो उस पैसेंजर शेड के ऊपर चला, पैसेंजर शेड को गिरा दिया गया। उसके बाद हम बता दें कि जिन जिन बिल्डिंग को नोटिस दिया है अब तक किसी भी तरह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि SDM महेंद्र ने अपनी जो प्रेस एक मीडिया बाइट्स में ये बात कबूल जरूर की, सर सिलेक्टिव नहीं रहेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई सिलेक्टिव नहीं रहेगा। एज सच हमने किसी को ना ही फेवर किया है और ना ही इंशाल्लाह आगे करेंगे जो भी पाया जाएगा स्टेट लैंड पे। क्योंकि हमें देखो बेसिकली हमारा बस स्टैंड एरिया जो है, अगर 15-16 कनाल ज़मीन थी, आज की डेट में कुछ 6-7 या 8 कनाल सिकुड़ के रह गई है, सारी साइड में इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, वो अगर हट जाएंगी तो बस स्टैंड पे पब्लिक के ही काम आएगा, हमारे काम भी आएगा। लेकिन यही है कि जो चीज़ पब्लिक के यूज़ की है, पब्लिक इंटरेस्ट की है, वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के फायदे के लिए हम इसको वो नहीं रहेंगे। सर कुछ जितने लोगों को नोटिस दिया गया है उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और जितना भी नाजायज कब्जा है उसे हटा लिया जाएगा। मेंडर बस स्टैंड की बात करें और इस ड्राइव में आज जो है कुछ खास सा देखने को नहीं मिला, हालांकि बहुत सी पब्लिक की अजूम थी, बड़ी पब्लिसिटी मिली। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कदम किस लिए उठाया? अगर आपने ऐसा ही करना था तो कम से कम 2 बजे तमाम गाड़ियों को यहां से भगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप अगर पैसेंजर शेड को रिमूव कर रहे हो तो आपको किसी किस्म से कोई खतरा नहीं था, पब्लिक आपके अगेंस्ट नहीं थी क्योंकि वो गवर्नमेंट की चीज थी और पैसेंजर शेड पर कोई एतराज करने वाला नहीं था। एक बड़ा सवाल है कि अगर आपने पैसेंजर शेड को ही रिमूव करना था तो आपने 2 बजे पब्लिक को हरास क्यों किया, पब्लिक यहाँ के गाड़ियों को क्यों भगाया और लोगों को दूर जाकर गाड़ी अपने गाँव में जाने के लिए गाड़ियों को पकड़ना पड़ा, एक बड़ा सवाल। लेकिन फिर भी जो प्रेस मीडिया बाइट में SDM महेंद्र जहांगीर खान साहब ने ये बात कही है कि सिलेक्टिव कुछ नहीं रहेगा, जितना भी इंक्रोचमेंट है उसे हटा लिया जाएगा, ये उम्मीद रखे कि महेंद्र की आवाम भी के इंतजामिया जो कह रही है उसे पूरा जरूर करेगी। गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट UT सतह की बात करें, गरीब लोगों को राहत देने के लिए जो बात की जा रही है हम उसके पक्ष में भी हैं कि गरीब लोगों को बिल्कुल राहत देनी चाहिए, क्योंकि 2 कनाल 4 कनाल पे गरीब कभी कोठी नहीं बनाएगा, मरले 2 मरले पे उनका मकान होता है और इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए कि गरीब को ना छेड़ा जाए। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपने ये ड्राइव स्टार्ट की है उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, ना कि सिर्फ आप जो है मीडिया में ये चीज़ अफवाह फैलाने के लिए कि हमने ये ड्राइव कर दिया, वो ड्राइव किया। लेकिन आज की खबर ये है मेंडर बस अड्डे पर कुछ नहीं हुआ माँ सिवाय पैसेंजर शेड को गिराने के। एक साइड मेंडर बस अड्डे पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, वहीं साबका मेंबर असेंबली मेंडर जावेद राणा की एक स्टेटमेंट आई है, आइए देखते हैं कि इस हवाले से साबका मेंबर असेंबली मेंडर जावेद राणा क्या कहते हैं। देखिए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस सरकार का है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त सरकार को लोगों को इतना टेररिज करने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत से इशू हैं, जम्मू कश्मीर पहले ही एक बुरान से गुज़र रहा है, ये जो हमारी रियासत है पहले ही काफ़ी मुश्किलात का सामना इसको करना पड़ रहा है, यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं, बेरोज़गारी है, यहाँ डेवलपमेंट का फोकदान है, कोई डेमोक्रेटिक कोई यहाँ सरकार नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यहाँ तैतय कर दिया गया है और जबर और तगियान की जो चक्की पीस रही है लोगों पे पिछले 7-8 साल से, मैं कहूँगा 2014 के बाद तो यहाँ को डेमोक्रेसी का नाम निशान नहीं है, सरकार का की तरफ से जो यहाँ सरकारी एजेंसियाँ हैं वो लोगों को सिर्फ टेररिज कर रहे हैं, लोगों को एक दहशत के माहौल में हैं लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को फौरी तौर पर ये जो ड्राइव है इसको बंद कर देना चाहिए, खासकर जो है
जम्मू सूबा में और जम्मू के पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पर्टिकुलर कम्युनिटी और मज़हब के लोग रहते हैं वहाँ ये ड्राइव शुरू की गई है। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये बर्बरियत है, ये जबर और तगयान है, ये लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के साथ ज़्यादती है। तो मैं ये सरकार से ये गुजारिश करूँगा, मैं पर्टिकुलरली देश के होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश करूँगा कि आपके पास बहुत से इश्यूज़ हैं एड्रेस करने को। यहाँ चाइना जो है वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारी ताक में है, पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वार जो है जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई बरसों से लड़ रहे हैं, और यहाँ खुद बेरोज़गारी है, नौजवान यहाँ का परेशान है, यहाँ का कारोबारी परेशान है, कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। तो लोग जो हैं पहले ही से ही मुश्किलात में है। मैं ये गुजारिश करूँगा एलजी साहब को, एक पॉलिटिकल फील्ड से हैं वो और ये समझते हैं सब परेशानी, कि आप लोग जो हैं वो फौरी तौर पे इस जबर व तुग़यान का जो रवैया आपने अपनाया है इसको बंद करें और यहाँ डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं इनको बहाल करें। यहाँ एक डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार हो जो लोगों की यहाँ नुमाइंदगी करे और बेहतर ढंग से यहाँ का सिस्टम चल पाए। शुक्रिया, मेहरबानी। जिनाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अपने मेज़बान एजाज कोहली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।